ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਈਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਭਾਵੇਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਇੰਨੀ ਦਿਨੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੁੱਟਬਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ ਬੀਪੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਗੱਜਣ ਮਾਜਰਾ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਸਿਹਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੀਤੀ देर रात यानी तकरीबन रात 2 बजे की यह पूरी जानकारी है जदों गज्जन माजरा नूं पीजीआई लैके पहुँचती है ईडी की टीम दे वल्लों पीजीआई दे विच राती 2 बजे गज्जन माजरा नूं कह सकते हैं एडमिट कराया गया है उस तों बाद गज्जन माजरा जिहड़े है उन्हां दी सेहत दे विच पहलां नालों थोड़ा सुधार होया है बीपी नाल जुड़ी हुई समस्या है तो पीजीआई दे एमरजेंसी वार्ड दे विच उन्हां नूं भर्ती करवाया गया है तुहानूं दस दिंदे कि गज्जन माजरा नाल जुड़िया होया जिहड़ा मामला 1 साल पुराना है जिस दे विच 40 करोड़ रुपए का घपला दस्या जा रहा है 40 करोड़ रुपए के घपले की गल है 32 लाख रुपए की रिकवरी जिहड़ी है वह गज्जन माजरा दे घरों हुई सीगी नाल ही तुहानूं दस दिंदे कि बैंक की शिकायत के उत्ते पूरी कार्रवाई जिहड़ी है वह सीबीआई ने की सी उस तों बाद सीबीआई ने यह केस ईडी नूं ट्रांसफर कर दिता तो हुण ईडी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है तुहानूं दस दिंदे बैंक की शिकायत सीगी कि जो लोन लिया गया लोन की रकम सही जगह पर लगन की बजाय किसी होर जगह के उत्ते लगी जिस दे करके शिकायत की गई सीबीआई नूं सीबीआई ने जांच की उस तों बाद ईडी नूं केस ट्रांसफर कर दिता तो ईडी हुण इस पूरे मसले दे विच 4 समन कर चुकी है तो हुण गिरफ्तारी हुई जदों वर्करां दे नाल मीटिंग कर रहे सीगे गज्जन माजरा गज्जन माजरा अमरकोट तों विधायक ने आम आदमी पार्टी दे उन्हां दी गिरफ्तारी ईडी दे वल्लों की गई है सेहत विगड़ी है तो सीबीआई एडमिट कराया गया है होर इस तरह की डिवेलपमेंट लई होर इस तरह की अपडेट वास्ते बने रहो चकदे टीवी दे नाल।